इसमें, और ये दो मैंने एक पैन ले लिया है, इसके साथ मुझे डालना है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि ये जो मार्केट निकाले हैं इनको मैं जूस निकालूँगी, इसको मिक्सर में डाल दूँगी। ठीक है, मैंने ये अनार का जूस निकाल कर रख लिया है। अब इसके अंदर मुझे थोड़ा सा पानी ऐड करना है और आइस क्यूब भी, आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप वो जितना चाहें शुगर ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ 1.5 टेबल स्पून मुझे शुगर ऐड कर दूँगी, इसके बाद ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, और 1/2 लेमन मैं ऐड कर दूँगी, लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर थोड़ा सा, और मुझे इसको थोड़ा सा डालने से पहले ही शुगर मेल्ट कर लीजिए, नहीं तो सिरप का, मुझे सिरप बना के आपके पास स्टोर किया हुआ है तो वो भी उसका भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून जो है छोटा वाला चम्मच जो है वो डाला, और उसमें रहा यानी तुलसी के बीज मुझे इसके अंदर ऐड करना है। अब मुझे थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करना है। और मैं आपको सर्व कर दूँगी। प्यारा कलर इसका आया है, इतना मजेदार होगा ये। आप शुगर अपने आप से आगे पीछे कर सकते हैं, ज्यादा ये कम डाल सकते हैं, जैसे चाहे आप डाल सकते हैं। और अगर पुदीना अगर आपके पास है तो पुदीने का जूस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये खून भी बनाता है, जो वीक लोग हैं वो अनार का जूस भी पिया करें। और अगर मेरी ये शरबत और ये जूस अच्छा लगा हो, मुझे अगर बर्फ जैसे बर्फ आइस क्यूब भी डालूंगी मैं इसके अंदर। ये देखिए अनार का जूस तैयार है, और आपको बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत मज़ेदार, बहुत हल्का हल्का मीठा है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं शुगर जितनी चाहें आप मीठा कर सकते हैं। मैंने कम ही पीती हूँ, इसलिए कभी रखा है मैंने। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, और जो जिनको ये वीडियो अच्छी लगे मेरी तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स में, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत ईजी है, बहुत ही 5 मिनट के अंदर बनने वाली है, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो फिर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।